नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारत योजना पे। तो आज हम बात करने वाले हैं मोदी जी जो विजिट किए हैं रसिया में उनके बारे में। तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का यहाँ पे न्यूज़ आया हुआ है मोदी रसिया विजिट। तो मोदी जी 2 दिन के लिए बायलेटरल सीरीज का मीटिंग था उसके लिए गए हुए थे मंडे और ट्यूजडे के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मोदी जी ने भी यहाँ पे ट्वीट किया हुआ है, लैंडेड इन मॉस्को लुकिंग फॉरवर्ड फर्दर डीपिंग से स्पेशल एंड। और मोदी जी जैसे ही रसिया में गए वहाँ लैंड किए, तो यहाँ आप देख सकते हैं भव्य यहाँ पे स्वागत किया गया है, मोदी जी का ग्रैंड वेलकम है। तो इस फोटो से अगर आपको उतना नहीं पता चल रहा है कि कितना महत्व दिया गया है मोदी जी को इसके लिए, तो आप फोटो को जूम करके भी मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। ये जो फोटो है, तो फोटो के आप यहाँ पर सीढ़ी में भी देख सकते हैं रेड कार्पेट बिछा हुआ है। तो रेड कार्पेट जो सीढ़ी से लेके पूरा ज़मीन तक है, तो इस हद तक मोदी जी को यहाँ पे वेलकम किया गया, ग्रैंड वेलकम किया गया है। मोदी और पुतिन जो है दोनों एक साथ अपने गाड़ी में ही यहाँ पे आए, दोनों मिले, गला मिले और फिर एक साथ डिनर भी किए। और मोदी जी और पुतिन यहाँ दोनों बात किए हैं यहाँ पे ट्रेड, कॉमर्स, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी को लेके। तो इस चीज़ को लेके वेस्ट वाले जितने भी देश हैं, US, यूक्रेन खास करके, वो यहाँ पे अपना प्रतिक्रिया दिखाए हैं, यहाँ गुस्सा हुए हैं मोदी जी से। और वो बहुत कुछ भला बुरा बहुत कुछ बोले हैं मोदी जी के बारे में। जैसे ही मोदी जी ट्विटर पे ये अपना विजिट वाला फ़ोटो डाले रसिया का, तो उसी के नीचे कमेंट में बहुत सारे खराब खराब कमेंट आए हुए थे। जैसे कि उसमें बोला जा रहा था सेम ऑन यू, आप कैसे रसिया का साथ दे सकते हैं, वो रसिया जो यहाँ यूक्रेन में हमला कर रहा है, यूक्रेन में हमला किया जिसमें बच्चा मर गया, तो आप कैसे साथ दे सकते हैं, इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री वो रसिया का साथ कैसे दे सकते हैं, रसिया टेररिस्ट है जो यहाँ पे मार रहा है यूक्रेन के लोगों को, अगर रसिया टेररिस्ट है तो इंडिया भी टेररिस्ट है उसी के मुताबिक माना जा रहा है। कोई कोई लिख रहा है कर्मा, कर्मा का मतलब कि इंडिया को भी वैसे ही सहना पड़ेगा, बहुत ही खराब खराब बोला जा रहा है। और यह इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जिस दिन मोदी जी वहाँ विजिट किए रसिया में, उसी दिन सुबह सुबह रसिया मिसाइल अटैक कर दिया यूक्रेन में एक बिल्डिंग में जहाँ पे बच्चे भी थे। तो यहाँ पे जेलेंस्की जो है वहाँ के पीएम, वो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे ट्वीट किए हुए हैं, द रेस्क्यू ऑपरेशन आफ्टर यस्टरडे रसिया मिसाइल अटैक कंटिन्यूज एज ऑफ नाउ 38 पीपल हैड बीन रिपोर्टेड डेड। तो 38 पीपल अभी तक डेड हो चुके हैं। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक में और भी नंबर बढ़ गए होंगे डेड का, इंक्लूडिंग 4 चिल्ड्रेन भी थे इसमें, बच्चे भी थे जो यहाँ पे मारे गए। 190 पीपल वेर इंजर्ड एंड रिसीविंग असिस्टेंट, 190 पीपल यहाँ पे इंजर्ड है। तो इसी को लेके बहुत लोग यहाँ पे गुस्सा है। मोदी जी के पोस्ट के नीचे आप जाके पढ़ भी सकते हैं, बहुत सारे खराब खराब कमेंट वहाँ पे दिया गया है। तो इस बात को लेके, मोदी जी के विजिट के बात को लेके लोग यहाँ US से भी पूछें, तो US के जो स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर, वो यहाँ पे इसके प्रतिक्रिया में क्या बोले, इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि भारत और कोई भी अन्य देश जब वे रूस के साथ जुड़े, कोई भी मीटिंग करे या उसके साथ जुड़े, चाहे वो कोई भी देश हो, भारत हो या कोई और देश, तो यह स्पष्ट करेंगे कि रूस को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान करना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि रूस को UN का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, UN का जो लॉ है, उसका सम्मान करना चाहिए, और साथ ही यूक्रेन के संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। तो यूक्रेन का जो सॉवरेनिटी और बॉर्डर है उसको सम्मान करना चाहिए। US स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर बोले कि हम देखेंगे मोदी जी क्या बोलते हैं, क्या बात करते हैं, स्पीच में क्या बोलते हैं। और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सोर्स द विजिट विल बी फोकस ऑन इकोनॉमिक इशू। तो मोदी जी जो विजिट किए हैं, तो गवर्नमेंट सोर्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक इशू के बारे में, इंक्लूडिंग एनर्जी, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग और फर्टिलाइज़र के बारे में बात की है। और इतना कुछ होने के बाद वहाँ मोदी जी को तो कुछ ना कुछ बोलना ही था। तो मोदी जी स्पीच में वहाँ पे बोले, मोदी जी बोले 21वीं सदी में हम अभी भी पीस को ही ज़्यादा महत्व देते, द स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड रसिया हैज एडवांस्ड ओवर द 10 ईयर। तो लास्ट 10 ईयर जो इंडिया और रसिया का पार्टनरशिप जो था वो बहुत ही अच्छा गया और आगे भी बढ़ा, और मोदी जी चाहते हैं कि ये और आगे भी बढ़े, जैसे कि इसमें इंक्लूडिंग एरिया जैसे एनर्जी, सिक्योरिटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर, टूरिज्म और पीपल टू पीपल एक्सचेंज हुआ, इसी चीज़ को मोदी जी बोले हम इसको और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, बायलेटरल मीटिंग में गए थे वहाँ। तो यहाँ जो है न्यूज़ आया हुआ है पीएम मोदी रसिया विजिट, रसिया इन टॉक विद,
बिल्डिंग 6 मोर न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो यहाँ जो है वो सब जो मैंने बताया कि इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, कल्चरल, तो वो सब तो है ही। साथ ही मोदी जी का मेन विजिट यहाँ करना था क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर पावर यूनिट के बारे में बात करना था। और यहाँ पे बोला कि बिल्डिंग 6 मोर, 6 और न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया बनाएगा रसिया से मिलके। तो रसिया का जो यहाँ पे कंपनी है, रसियन स्टेट न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी रोसाटॉम, ये कंपनी और इंडिया के कंपनी मिल के यहाँ पे 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे। तो न्यूक्लियर प्लांट जो है इंडिया में पहले से 2 है, कुंदाकुलम न्यूक्लियर प्लांट, यहाँ पे यूनिट 1 एंड 2 जो है ऑलरेडी बिकम ऑपरेशनल, ये काम भी करता है, उससे एनर्जी भी प्रोड्यूस किया जाता है। इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी विनय काउतारा सिड अर्लियर पहले भी वो बोले हैं कि यूनिट 3 और 6 जो है वो अभी प्रोग्रेस में है, काम में है, वो भी स्टार्ट होगा। और मॉस्को रिमेन एन इम्पॉर्टेंट पार्टनर फॉर इंडियन एनर्जी सिक्योरिटी एंड डिफेंस के लिए। तो मॉस्को जो है आगे भी इम्पॉर्टेंट पार्टनर रहेगा इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो इंडिया में है उसका नाम कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, और ये कहाँ पे है वो आप देख सकते हैं, तमिलनाडु में है, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे है। यूनिट 1 वॉज सिंक्रनाइज विद द साउदर्न पावर ग्रिड 22 अक्टूबर 2013, सिंस देन हैज़ बिन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। 1000 मेगावाट का यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा रहा है। और आगे और भी मोदी जी बोले हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 यूनिट जो है, यहाँ पे उनका यूनिट 1 और यूनिट 2 का जो दाम था बनाने में वो 13,171 करोड़ लगा था। तो ये इतना था, और ये आगे चल के जो है, बट इट वॉज लेटर, आगे चल के ये दाम बढ़ गया, 17,270 करोड़ हो गया था। द ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिट 3 एंड 4, 3 एंड 4 जो यूनिट है प्लांट, तो वो भी स्टार्ट होने वाला था, उसके लिए सेरेमनी भी इंतजाम कर दिया गया था 17 फरवरी 2016 को, पर कुछ कारण के वजह से वो डिले हो गया। ड्यू टू टेक्नोलॉजी चेंजेस, इन्फ्लेशन, इंसिस्टेंस ऑफ द सप्लायर एंड ऑपरेटर के कारण लेट हो गया, जिसके कारण से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ यूनिट जो है प्लांट 3 और 4 का वो बढ़ गया। और वो इतना बढ़ा कि 1 एंड 2 में जो इतना पैसा लगा था 17,000 करोड़ रुपया, उससे डबल हो गया। अब जो है यहाँ पे प्लांट का दाम लगे 39,849 करोड़ रुपया। और 5वां और 6ठा यूनिट जो है प्लांट 5 और 6 जो प्लांट बनेगा, उसके लिए जो बजट है वो 49,621 करोड़ यहाँ पे तैयार किया गया इंडिया की तरफ से। तो अगर आपको मालूम होगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम कैसे करता है, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कैसे किया जाता है, तो सिंपल है। अगर आपको मालूम होगा थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ भी वही है, बस इसमें मटेरियल चेंज कर दिया गया है। जैसे कि अगर आप थर्मल पावर प्लांट में जानते होंगे, पानी और कोयला का इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो कोयला को धो दिया जाता है, वॉश कर लिया जाता है, वॉश करने के बाद कोयला को जला के गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद उससे पानी को गर्म किया जाता है। पानी को गर्म करने के बाद जो पानी से वेपर निकलता है, उस वेपर को कलेक्ट कर लिया जाता है। कलेक्ट करने के बाद वही वेपर का प्रेशर से टरबाइन घुमाया जाता है, और टरबाइन में आपका मोटर कनेक्ट रहता है, तो टरबाइन घूमता है, उससे मोटर घूमता है, और मोटर घूमने से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है। यही सिंपल प्रोसेस है थर्मल पावर प्लांट में, और यही सेम प्रोसेस जो है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी काम करता है। तो कोयला का यूज़ किया गया थर्मल पावर प्लांट में, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपका यहाँ पे यूरेनियम का यूज़ किया जाता है। तो यूरेनियम जो है वो आपका इंडिया में मिलता है, और इंडिया में कहाँ मिलता है, जादूगोड़ा यूरेनियम माइन में। और जादूगोड़ा कहाँ पे है, ये आपका झारखंड में, यहाँ पढ़ सकते हैं द जादूगोड़ा माइन। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, इसी के अंदर में आपका यहाँ पे जादूगोड़ा माइन है, झारखंड के अंदर आता है। और यहाँ आप मैप के थ्रू देख सकते हैं, यहाँ मैंने अभी लोकेशन लगाया हुआ है, यहाँ झारखंड स्टेट है, और यही झारखंड में पूर्वी सिंहभूम के यहाँ पे यूरेनियम का यहाँ पे प्लांट है। और इसको आप जूम करके भी यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ पे आपका यहाँ पे प्लांट है। और मोदी जी जब विजिट किए रसिया, तो इससे और भी देश को प्रॉब्लम हुआ, जैसे कि दिक्कत हुआ चाइना को, दिक्कत हुआ चाइना को, इसलिए दिक्कत हुआ क्योंकि आप देखिए 2022 से जो रसिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, उस समय से मोदी जी बहुत ना के बराबर में ही विजिट किए हैं रसिया में, 2 बार या 3 बार विजिट किए होंगे जब से यूक्रेन रसिया का वॉर स्टार्ट हुआ है। और यूएन सैंक्शन बहुत ज़्यादा रसिया पे लग चुका है, तो जिसके कारण से ट्रेड नहीं कर पाते हैं, या सबसे ज़्यादा जो सैंक्शन लगा है
रसिया पे ही लगा है। 20,000 से भी ज़्यादा सैंक्शन लग चुका है रसिया पे, और भी अगर देश को मिला दिया जाए फिर भी रसिया से कम पड़ जाता है। रसिया का बहुत ज़्यादा है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में आपका सैंक्शन लगाया हुआ है बहुत ज़्यादा। तो सैंक्शन लगाने की वजह से ही रसिया जो है चाइना की तरफ अलायंस होते जा रहा था, ज़्यादा निर्भरता करते जा रहा था चाइना के तरफ। उसी बात को लेके चाइना अभी टेंशन में है। जैसे ही मोदी जी वहाँ विजिट किया और इतना ग्रैंड वेलकम किया गया पुतिन के द्वारा, रेड कारपेट बिछाया गया, उसी बात को देखते हुए चाइना को बहुत ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि रसिया जो चाइना के तरफ अलायंस हो रहा था वो कम हो जाएगा इसके प्रभाव से। और मोदी जी स्पीच में भी बोले थे रसिया जो है वो हमारे ऐसा दोस्त है जो सुख दुख में साथ देता है। तो बताइएगा आप कमेंट करके आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपने थॉट बता सकते हैं इसमें कमेंट करके।